नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश समेत झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव है, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। इसके अलावा राहुल गांधी जिस केरल की वायनाड सीट से सांसद चुने गए थे उस पर भी उपचुनाव होना है और वहां से कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बना दिया है। यानी कि अब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में वो पदार्पण कर चुकी हैं। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी और संगठन के बागडोर उन्होंने संभाली हुई थी, संगठन के काम कर रही थी और अब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को अपना कैंडिडेट वायनाड सीट से बना दिया है। लेकिन साथियों, खबर ये नहीं है। खबर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से तिलमिलाई भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से जुड़ी हुई है। साथियों, आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरीके से हारी और पूर्ण बहुमत से चूकी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो दरअसल खिसियानी बिल्ली की जैसी हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था और जिससे ऐतिहासिक जीत उसको मिली, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं और उनके मंत्रियों के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। महिला सम्मान की बात भी उनके दिमाग से शायद निकल गई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है प्रियंका गांधी को लेकर के, जिसके बाद अब कांग्रेस ने बवाल काट दिया है। और बयान जो दिनेश प्रताप सिंह ने दिया वो प्रियंका गांधी को वायनाड से कैंडिडेट बनाने पर दिया। आपको पता है कि प्रियंका गांधी को जब कैंडिडेट बनाया गया तो एक लेटर जारी हुआ जिसमें प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद से कांग्रेस, पूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और पूरी कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर के साथियों, दिनेश प्रताप सिंह ने क्या ट्वीट किया सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। दिनेश प्रताप सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना ना पड़े। आगे लिखते हैं कि बूढ़ी जो हो गई। प्रियंका गांधी के लिए इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल, एक महिला के लिए इस तरीके के शब्दों का उच्चारण एक मंत्री महोदय द्वारा किया गया। अब साथियों, उनके इस बयान के बाद तुरंत फौरन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने बहुत जबरदस्त हमला बोला। दिनेश प्रताप सिंह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेते हुए अजय राय ने लिखा कि ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह सांसदी का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह है। महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। ऐसे लोग भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इसलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। साथियों, इसी को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है तो वो आपकी स्क्रीन पर है, सुनिए सर। यूपी बीजेपी में एक निहायत ही बददिमाग मंत्री है, उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी एक महिला के लिए की और हम मेरी नेत्री प्रियंका गांधी के लिए की कि उसकी जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। लेकिन असलियत यह है कि दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनकी और भारतीय जनता पार्टी की कितनी महिला विरोधी, कितनी अभद्र, कितनी भद्दी, कितनी गंदी सोच है, कितनी महिला विरोधी सोच है। क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वो वही बोल सकता है जो वस्तुतः महिलाओं का विरोधी हो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जैसे आदमी से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। आपने अपने असली चाल चरित्र का परिचय तो दे दिया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि जो हार आपकी हुई और जो करारी हार आपकी रायबरेली में हुई उससे आप अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और लगता है आपके मन की एक कुंठा है कि आप प्रियंका गांधी के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी आप ही के जैसे लोगों से भरी पड़ी है, फिर चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या ब्रजभूषण सिंह हो या दिनेश प्रताप सिंह हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप ही के जैसे लोगों ने बीजेपी को और आप ही के जैसे लोगों ने इस समाज को महिला विरोधी बनाने में पूरा योगदान दिया है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, चुनावी हार से उबरिए और महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। आप राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने लायक इंसान नहीं है। आप जितने निकम्मे मंत्री हैं उससे निहायत ही घटिया इंसान भी हैं। और साथियों, इन सब के बाद भी कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली स्थित मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर गए और इनके नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। न सिर्फ कालिक पोत दी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, बल्कि इनके गेट पर चोर और बेईमान भी लिख दिया। साथियों, आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, वायनाड और रायबरेली से। और रायबरेली सीट उन्होंने अपने पास रखी, वायनाड सीट जो है उन्होंने छोड़ दी। अब उस पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव 13 तारीख को है, जिस दिन झारखंड में वोटिंग है पहले फेज की, उस दिन और उसी दिन 47 सीटों पर उपचुनाव भी है, विधानसभा सीटों पर, उनमें से उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी हैं। तो कुल मिलाकर के वायनाड से प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति का पदार्पण होने जा रहा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है। और उसीलिए इस तरीके की अभद्र, असभ्य और असंसदीय और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल प्रियंका गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।